This conference will now be recorded. हेलो फ्रेंड, देखिए आज जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम लोग अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग प्रोसेस और डिफरेंस बिटवीन हाउसकीपिंग और अकाउंटिंग में कर लिया था, आज हम लोग उससे आगे चलेंगे और अकाउंटिंग की लिमिटेशंस, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट, अकाउंटिंग की और भी सारी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। इस सेशन में हम लोग पहले एक बार इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एंड देन उसके बाद हम अपने आप आगे चलते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि लिखा है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइज इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवन विच आर इन अ पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। मैंने बताया था अकाउंटिंग एक आर्ट होती है जिसके अंदर हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। हम अकाउंटिंग में उन्हीं चीजों को कंसीडर कर सकते हैं जिनको मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो चीज मनी में कन्वर्ट नहीं होती उसे हम अकाउंटिंग नहीं कह सकते। साथ साथ यहाँ पर हमने सीखा था इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, उसमें कम से कम 1 साल के ट्रांजेक्शन का होना जरूरी है। क्लियर है? पर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट का मतलब होता है उसे रिजल्ट को पाना, और जो उसके रिजल्ट के लिए जानना चाहता है उस रिजल्ट को, तो वो अकाउंटिंग कहलाती है। ये तो हमने लास्ट सेशन में भी कर लिया था, हम आज इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ये भी हमारा हो गया था, ठीक है। एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर मैंने बताया था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवन, कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो एंट्री है वो इस साल की है या लास्ट ईयर की। तो हम बिल को देखकर, रिसीप को देखकर और मेमो को देखकर हम ये पता कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग का सबसे पहली विशेषता तो ये कि हम ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कौन से ईयर के, ठीक है। दूसरा, अकाउंटिंग का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो होता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, ठीक है। मेजरिंग हम कर सकते हैं, हम अकाउंटिंग उन्हीं चीजों की कर सकते हैं जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मेजरिंग नहीं हो सकती हम उसको कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। मेरे पास फोन है, जब तक मैं उसे ये नहीं बोलूंगी 10,000 का फोन है तब तक हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। दूसरा, अकाउंटिंग के अंदर हम जर्नल करते हैं, सब्सिडरी बुक बनाते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं और आगे कम्युनिकेट करके यूजर को दे देते हैं। ये अकाउंटिंग की विशेषता है। दूसरा, क्लासिफाइंग का मीनिंग बहुत अच्छा है। प्रोसेस ऑफ कलेक्शन सिमिलर ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस बाय ओपनिंग अकाउंट इन द लेजर। कह रहा है कि जो आप एक जैसे नेचर की ट्रांजेक्शन होती हैं, अगर सेल है तो सेल सेल की एंट्री सेल की लिस्ट में, और सपोज एक पार्टी की 10 एंट्री, तो एक पार्टी की 10 एंट्री को उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना ही क्लासिफाई कहलाता है, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ कलेक्शन सिमिलर ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस बाय ओपनिंग अकाउंट इन द लेजर। क्लियर? अब आता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, इसका मीनिंग होता है कि एनालाइज करना और रिजल्ट को पता करना, टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड लास्ट होता है कम्युनिकेटिंग टू यूजर, अफ्यूज यूजर को आगे दे देना जो इसके रिलेटेड चाहिए था। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कर लिया था, जिसमें मैंने आपको ये चार्ट के बारे में भी बताया था। अब हम इससे थोड़ी सी आगे चलेंगे। अब आता है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। क्या डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग? सर, जो आपने बताया वो भी तो डिफरेंस है। हाँ, वो ठीक है, इतना डिफरेंस है, बट आगे भी हमें जानना है कि क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस है कंसर्न। बुक कीपिंग क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है ट्रांजेक्शन, कि इसको मनी में मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन द ट्रांजेक्शन, मेजिंग, ठीक है, देम इन मनी, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। बुक कीपिंग का पहला काम होता है क्या? अकाउंट एंट्री को लिखना, मनी में मेजर करना और उसको क्लासिफाई करके अलग अलग जगहों पे उनके स्थान पर पहुंचाना, ठीक है। इसका काम होता है, ये बुक कीपिंग का काम होता है। क्लियर है? सेकंड, अकाउंटिंग होती है जो जो CAI प्रोफेशनल करते हैं, अकाउंटेंट करते हैं, उनका काम होता है समराइज करना, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देना, कम्युनिकेटिंग करना जो उस रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये अकाउंटिंग का काम होता है। पहला, कंसर्न के अंदर हमने आइडेंटिफाई सीखा द ट्रांजेक्शन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन द ट्रांजेक्शन, मेजरिंग देम इन मनी एंड रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। स्टेज, ये प्राइमरी स्टेज होती है, पहली स्टेज होती है। अगर अकाउंटिंग है
तभी हम बुक कीपिंग है, तभी हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। ये सेकेंड स्टेज होती है, क्लियर। इसे हम प्राइमरी स्टेप बोल सकते हैं और इसे हम सेकेंडरी स्टेज। दूसरा परफॉर्मेंस, इसमें जूनियर स्टाफ काम कर सकता है। जैसे आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जूनियर स्टाफ के अंदर आते हैं। अब मैं कहीं जाता हूँ तो मैं सीनियर स्टाफ कहलाता हूँ, क्योंकि मुझे अब अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, जूनियर स्टाफ और सीनियर स्टाफ। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेचर ऑफ जॉब। जॉब क्या होता है, जॉब का नेचर क्या होता है? ये क्लरिकल एंड रूटीन इन नेचर होता है। मतलब क्लरिकल मतलब वो ही अगेन रिपीट रिपीट करना, छोटे मोटे आज सेल की बिल काटना, फिर रिसीव चढ़ाना कॉपी पे डे बुक पे, फिर सेल काटना, फिर रिसीव चढ़ाना। उसे बोलते हैं हम क्लरिकल एंड रूटीन इन नेचर, जो रूटीन में होते हैं, ठीक है। तो इससे क्लरिकल एंड रूटीन, क्लरिकल मतलब छोटे मोटे काम करने वाला, जो एक जैसे ही काम करता है। आप पढ़े लिखे हो, बस आपसे मैं कहूँ सेल का बिल काट दो, एक बार समझा दूंगा तो आप काट देंगे, तो उसमें कवर हो जाता है क्लरिकल एंड रूटीन इन नेचर के अंदर। जबकि अकाउंटिंग का एनालिटिकल है एंड डायनेमिक इन नेचर है। एनालिटिकल मतलब हर दिन नए नए केस आएंगे आपके पास, उसको डायनेमिकल बनाना, उसको जज करके रखना, तो वो अकाउंटिंग कहलाती है। फिफ्थ होता है रिलेशन बेस फॉर अकाउंटिंग, बुक कीपिंग बेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर बुक कीपिंग नहीं हो तो आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते। मतलब अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है या आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते। तो पहला स्टेप ही बेस ऑफ अकाउंटिंग होता है, क्लियर है। इसका सेकेंड इट मे इट्स बिगेन वेन वेयर बुक कीपिंग एंड, ये तब स्टार्ट होगा जब बुक कीपिंग खत्म होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, क्लियर। बुक कीपिंग पहले से सिंपल बोल सकते हैं, इसके अंदर कंसेप्ट था जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को, हम मेजर करते हैं मनी के अंदर, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्ट इसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर समराइज था, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट था और कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट था, ठीक है। इंटरप्रेटिंग देम था, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट था। सेकेंड ये प्राइमरी स्टेज था, ये सेकेंडरी स्टेज था। परफॉर्मेंस में जूनियर स्टाफ काम करते हैं और अकाउंटिंग में सीनियर स्टाफ काम करते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ जॉब क्लेरिकल एंड रूटीन इन नेचर था, वो एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर था, और रिलेशन बेस्ड फॉर अकाउंटिंग था, और ये इट्स बिगेन वेयर बुक कीपिंग एंड, जब बुक कीपिंग खत्म होगी उसके बाद ही अकाउंटिंग स्टार्ट होगी, क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग आप देखो जैसे लगे बॉक्स एक छोटा है, अगर आप बुक कीपिंग करेंगे तभी आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, जब अकाउंटिंग करेंगे तभी आप अकाउंटेंसी कर सकते हैं, ठीक है। ये कह सकते हैं आप बच्चा है, ये फादर है एंड उनके फादर के फादर, क्लियर। बुक कीपिंग में ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, आपको नॉलेज है, ठीक है, आपको लिखना पढ़ना आता है, बुक कीपिंग कर लेंगे। अकाउंटिंग आप ठीक है, आप 11th 12th पास हो, आपको बिल भी बनाना आता है, बैलेंस शीट की थोड़ी बहुत नॉलेज हो, अकाउंटिंग कहलाते हैं। लेकिन अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपको अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग के छोटे छोटे स्टेप पता है कि आप ये एंट्री करेंगे तो कहाँ रिफ्लेक्शन है, टैक्स का क्या फर्क पड़ रहा है, वो सब किसके अंदर कवर होता है, अकाउंटेंसी के अंदर होता है, क्लियर। अगर एक लैंग्वेज में बोलूँ या एक वर्ड में बोलूँ तो अकाउंटेंसी क्या है, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। जिसको अकाउंटिंग की सिस्टमेटिक नॉलेज होती है वो अकाउंटेंसी कहलाती है, क्लियर। बुक कीपिंग समझ में आ गया, अकाउंटिंग समझ में आ गया, एंड देन अब आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी करने के बाद अब आती है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने का फायदा क्या है, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। पहला आता है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस फॉर द प्लानिंग डिस्कशन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। पहला क्या होता है, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मेरा मैनेजमेंट ही अच्छा होगा तो मैं प्लानिंग कर सकता हूँ फ्यूचर में, आज इस साल मेरा टर्नओवर 100 करोड़ रुपए का, मैं इसको आगे कैसे इंक्रीज करूँ, तो मैं प्लानिंग करूँ, कैसे मैं सारे डेप्टर्स की लिस्ट देखूंगा, अच्छा ये पार्टी मेरे साथ अच्छा काम कर रही है, मैं इसको मोटिवेट करूंगा, कोई स्कीम निकालूंगा, क्लियर। प्लानिंग करूंगा, डिसीजन मेकिंग, कोई मेरे स्टाफ खाली तो नहीं बैठा कंपनी में, कि मैं चला जाता हूँ वो कोई फालतू बातें तो नहीं करते, ठीक है, कोई कुछ कर तो नहीं रहे, तो मैं डिस्कशन मेकिंग करूंगा, ठीक है, लोगों के साथ बैठ के बातें करूंगा, और डिस्कशन मेकिंग के अंदर आता है कंट्रोलिंग, क्या कंपनी के अंदर गलत कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कंपनी से बाहर कोई हमारी बातें लीक तो नहीं हो रही, डाटा लीक तो नहीं हो रहा, तो हम कंट्रोलिंग करेंगे। तो किसके लिए फायदा होता है, वो हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस फॉर द प्लानिंग डिस्कशन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग, क्लियर है। तो अकाउंटिंग का पहला फायदा। दूसरा आता है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिकल रिकॉर्ड। अकाउंटिंग से हमें कंप्लीट
सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मिल जाते हैं। क्लियर। आज हम अब बिजी सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे, एंटर मारेंगे तो हमें एक बार में पूरी रिजल्ट आ जाएंगे। तो समय में क्या होता है, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मिल जाते हैं। क्लियर। थर्ड होता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग से हम पता कर सकते हैं कि एक दिन में कितना प्रॉफिट है, एक महीने में कितना प्रॉफिट है और एक साल में कितना प्रॉफिट है। किसके फायदे हैं, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के फायदे हैं। लास्ट आता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजिशन। मैं पता कर सकता हूँ कि मेरी इस साल की फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, मैं लॉस में था, मैं प्रॉफिट में था, मेरे डेब्टर्स कितने नेगेटिव हैं, मेरे क्रेडिटर्स कितने पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो इसका बेनिफिट मिलता है अकाउंटिंग से। फिर हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। ठीक है, हमें इससे पता चलता है कि हमारे ऊपर भी टैक्स की कितनी लाइबिलिटीज है, हमें टैक्स कितना गवर्नमेंट को देना है, जीएसटी कितना पे करना है, इनकम टैक्स कितना पे करना है, ये सब किससे पता चलता है हमें, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग से। क्लियर। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन राइजिंग लोन। अगर मुझे किसी से लोन लेना है, मैं आज बैंक के पास गया, मैंने कहा सर मुझे आपसे लोन चाहिए 1 लाख रुपए, लाओ भैया डॉक्यूमेंट दिखाओ अपने, अपनी आईटीआर सबमिट कराओ, अपने बैंक की ट्रांजेक्शन दिखाओ। मैं कहूंगा सर अगले महीने मैंने 2,000 रुपए कमाए थे, उससे पहले मैंने 5,000 रुपए कमाए थे। तो ऐसे नहीं चलते, अकाउंटिंग होनी चाहिए। आप उसको डॉक्यूमेंट कैसे देंगे, जब तक आप उसे डॉक्यूमेंट देंगे वो आपको लोन नहीं देगा। तो ये हेल्पफुल इन राइजिंग लोन के अंदर होता है कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपके पास फैसिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेंसी अकाउंटिंग होनी चाहिए। के लिए 6 पॉइंट है जो एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग बताते हैं। क्या बताते हैं हम लोगों को, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है, ये 6 पॉइंट आप एक बार इसको कॉपी पर लिख भी लीजिएगा और इसको आगे एक बार पढ़ भी लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का यूज कौन करता है, अकाउंटिंग कर रहे हैं मान लिया, पढ़ लिया कि एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग है, बट फायदा क्या है, कौन यूज कर रहा है इनको, कौन यूज करेगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग दो लोग यूज करते हैं, एक इंटरनल होते हैं जो आंतरिक लोग होते हैं और एक होता है एक्सटर्नल जो बाहरी लोग होते हैं। इंटरनल लोग कंपनी का सबसे पहले ओनर, वो पता तो करेगा कि मेरी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, मेरी कंपनी में लॉस हो रहा है, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, कौन देखेगा, कंपनी का ओनर देखता है। ठीक है, सबसे पहला फायदा तो ओनर को ही होता है। दूसरा बेनिफिट आता है मैनेजमेंट, अकाउंटिंग को मैनेजमेंट के अंदर बेनिफिट होता है कि मेरा इस साल प्रोडक्शन अच्छी हो रही है या खराब हो रही है। ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या आ रही है, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आ रही है, मुझे क्या प्रॉफिट रखना है, वो क्या होगा, मैनेजमेंट में होगा। किस पर्सन की पेमेंट लेट है या डिले है, किससे कैसे मैनेज करना है, टैक्स पेमेंट हो रही है नहीं हो रही, वो सारा काम मैनेजमेंट के जरिए होता है। तो सबसे दूसरा बेनिफिट होता है मैनेजमेंट को। क्लियर है, मैनेजमेंट होता है एक बंदा की जो बैठा रहता है, सिस्टम को देखते रहता है कि कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है, वो सब किसके अंदर कवर किया जाता है, मैनेजमेंट के अंदर कवर किया जाता है। तो इंटरनल अकाउंटिंग में दूसरा बंदा आ गया मैनेजमेंट। तीसरा होता है एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स। एक एम्प्लॉयर को भी तो फायदा होना चाहिए, आज उसने जॉब स्टार्ट करी वो अगले साल चाहेगा कि मुझे इंक्रीमेंट हो। कौन ऐसी कंपनी में जॉब करेगा जिसकी कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं है और अंदर बदतमीजी से बात करता है, वे ऑफ टॉकिंग नहीं है उसको, तो ऐसा एम्प्लॉयर नहीं चाहता ना। एम्प्लॉयर चाहता है कि मैं जहाँ जॉब करूँ मुझे रिस्पेक्ट मिले, हर साल मेरा इंक्रीमेंट है, मैं ग्रो करूं, तो वो अकाउंटिंग से ही बेनिफिट मिल सकता है। क्लियर है, तो ये यूज ऑफ अकाउंटिंग में पहले थे इंटरनल अकाउंट जिसमें ओनर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय को कवर किया। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है एक्सटर्नल, बाहरी लोगों का फायदा। पहला आता है बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर कोई बंदा मेरे पास आए और पैसा लगाना चाहे तो कैसे लगाएगा, वो पहले मेरे डॉक्यूमेंट चेक करेगा, मेरी बैलेंस शीट चेक करेगा, मेरी बैंक अकाउंट देखेगा, उसके बाद भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, आज बिजनेस मैक्सिमम केसेस में उधार में ही चलता है। अगर आप उधार बिजनेस अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आपको 50 या 40% उधार में ही काम करना पड़ेगा, कहीं से पैसा लेना पड़ेगा। क्लियर है, तो हम बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको पैसा तब देंगे जब आपकी अकाउंटिंग होगी। अगर आपकी अकाउंटिंग नहीं होगी तो कौन आपको पैसा देगा बताइए, वो तो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा ना, उसके पास से तो पैसा देगा। क्लियर। ऐसी होती है इन्वेस्टर, कौन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर आपको पैसा क्यों देंगे, इन्वेस्टर्स आपको पैसा क्यों देंगे, आपके पास पैसा क्यों लगाएंगे। आप उनके पास जाओगे सर हमारी कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, इस साल टर्नओवर अच्छा जा रहा है, हमारे पैसों की नीड है, आप पैसे दीजिए, आपको हम 12% इंटरेस्ट देंगे, तभी वो पैसा इन्वेस्टर आपको पैसा देगा। क्लियर। जब आप उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाओगे, अकाउंटिंग दिखाओगे, बैलेंस शीट दिखाओगे, तब जाके आपको वो क्या करेगा, पैसा देगा। तो यूजेस ऑफ अकाउंटिंग में सेकेंड हो गया इन्वेस्टर, थर्ड
होता है क्रेटर्स। क्रेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे मैं उधार पे माल खरीदता हूँ, उनको जिनको मुझे पैसा देना होता है। अब सर उधार पे कौन माल देगा? जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जिसकी मार्केट में गुडविल अच्छी होगी। क्लियर है? अगर आपके मार्केट में गुडविल अच्छी नहीं होगी तो आपको कोई माल उधार पर भी नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी अकाउंटिंग होगी तो आपको पता हो जाएगा पार्टी की पेमेंट ड्यू हो रही है, आप उसे कर दो तो आपकी एक गुडविल बनेगी। जैसी गुडविल बनेगी तो लोग आपको उधार माल देने लगेंगे, तो इसके अंदर क्रेडिटर्स को भी शामिल करेगा। गवर्नमेंट गवर्नमेंट को भी बहुत फायदा होता है अकाउंटिंग से। कैसे? क्योंकि उसको टाइम पर टैक्स मिल जाता है। आज जीएसटी चल रहा है, आप लोग जीएसटी में काम कर रहे हैं, हर मंथ बाद या क्वार्टर बाद आपको टैक्स देना होता है। अगर आप अकाउंटिंग ही नहीं करोगे तो कैसे जज कर लोगे आपका टैक्स कितना बनता है, कितना आईजीएसटी देना है, कितना सीजीएसटी देना है? तो वो सारा बेनिफिट कहाँ से मिलता है आपको? गवर्नमेंट को बेनिफिट भी मिलता है। क्लियर है? फिर आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर को कैसा बेनिफिट मिलता है? कंज्यूमर को प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा। जस्ट लाइक सपोज करो आप हमें एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अगर हम उसकी कॉस्टिंग ही ना करें या उसकी अकाउंटिंग ही ना करें तो हमें पता ही नहीं चल सकता उसकी कॉस्ट क्या है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी मेजर हो रही है। तो सिर्फ ये नहीं कि इन वर्सनों को मिलेगा, कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिलता है अकाउंटिंग। क्लियर? और साथ साथ पब्लिक, ये छह लोग थे जिनको एक्सटर्नल लोगों को भी अकाउंटिंग का बेनिफिट मिलता है। क्लियर है? आगे समझ, तो यूजेस ऑफ अकाउंटिंग में एक इंटरनल और इंटरनल में ओनर, मैनेजमेंट एम्प्लॉय कवर किए जाते हैं, और एक्सटर्नल में बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर्स, क्रिएटर्स, गवर्नमेंट, कंज्यूमर और पब्लिक। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट जो आता है यूज ऑफ अकाउंटेंट, मैंने इंटरनल लिख दिया, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन, मैनेजमेंट फॉर डिस्कशन मेकिंग, प्राइस कंट्रोल, प्राइस रिडक्शन, इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोजेक्ट प्लानिंग। ये सब किसके अंदर आता है? मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। एम्प्लॉय के अंदर टू नो द बोनस, डिपॉजिट इन प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये सब वो भी चाहता है। एक्सटर्नल के अंदर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टू चेक द योर परफॉर्मेंस, टू चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ योर लोन, इन्वेस्टर एंड पेटेंस इन्वेस्टर्स, ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी, स्टेट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, तो ये सारी चीजें चेक की जाती हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम उधार में माल खरीदते हैं, जिनको हमें पैसा देना होता है, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है वो भी चाहती है टैक्स एंड बिजनेस, वैट, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, इटसेट्रा, ठीक है। कंज्यूमर के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये इंटरनल अकाउंटिंग की थी। आप इसकी थ्योरी लिख लीजिएगा एंड में, मैं आपको लिखवा दूंगा सबको। अब जो आता है वो आता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस? आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि सर हमारी दो ब्रांचेस है, एक हमारी इस प्लेस पर है और दूसरी ब्रांच हमारी लक्ष्मी नगर में है, कीर्ति नगर में है, ठीक है, वैशाली में है, तो ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की भी तीन ब्रांचेस है। पहली ब्रांच होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आजकल हम सभी करते हैं। दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, क्लियर है। और थर्ड होती है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंट होती है जिसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, रिजल्ट पाते हैं और आगे कम्युनिकेट कर देते हैं यूजर को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। क्लियर है? जो आज हम लोग करेंगे 11th और 12th जितने सेशन होते हैं वो सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस होते हैं। जो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है उसके हाई लेवल पर की जाती है, ठीक है। 11th 12th तक इसको कवर नहीं किया जाता, तो आपको याद रखना है पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा होता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपका रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, क्लासिफाई, समराइज, रिजल्ट और कम्युनिकेट। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमें एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को पता करना होता है, तो यहाँ पर लिखा टू एज सर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। अगर हमें अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट ही नहीं पता होगी तो हम सेल प्राइस कैसे निकालेंगे उसको, तो कॉस्ट अकाउंटिंग से वो पॉसिबल है। तीसरा आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन सी अकाउंटिंग होती है? जिसके अंदर अकाउंटिंग की नॉलेज को गैदर किया जाता है, उसके बाद रिजल्ट लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा ना, जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फंड कॉस्ट प्रॉफिट डिस्कशन मेकिंग, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। पहले दो ही अकाउंटिंग चलती थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। आज एक नई अकाउंटिंग आ गई जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंट, जिसमें लोग प्लानिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, अपने फंड को कहाँ इन्वेस्ट करना है वो सोचते हैं। स्टाफ को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, वो कहलाती है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर है? तो ये आपकी तीन तरह की अकाउंटिंग होती है। पहली होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अब इनके बारे में देखना है तो मैंने यहाँ पर समझा भी दिया है, ठीक है, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग। आजकल एक अकाउंटिंग और आ गई जिसका नाम टैक्स अकाउंटिंग है। चलिए ठीक है, ये एक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में यहाँ पर साफ साफ लिखा है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन इवन विच आर इन अ पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। या वही देखते हैं जो नॉर्मल मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई थी, वही आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। क्लियर? आप देखेंगे तो बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट है, कोई चेंज नहीं है। इसके बाद आपकी आती है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके अंदर मैंने लिखा भी था एज सर्टेन कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्ट कंट्रोल द कॉस्ट। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस होता है अकाउंटिंग का पता करना, प्लानिंग करना, कंट्रोल करना, वो सब किसके अंदर कवर किया जाता है? आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कवर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम फ्यूचर में सीखेंगे रेशियो एनालिसिस क्या होती है, ठीक है, बजट क्या होता है, फंड क्या होता है, ये हम सब नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट नहीं, फ्यूचर में जब ये सेशन या इसके चैप्टर्स आएंगे तब हम डिस्कशन कर लेंगे। इसके आता है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग तो छोड़िए, आज का नहीं है। ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, पढ़ लिया हमने अकाउंटिंग के ये फायदे थे, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट क्या है? तो अकाउंटिंग के हमें ऑब्जेक्ट भी सीखने हैं, तो रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड नियम। अकाउंटिंग का मेन पर्पज जो होता है वो रिकॉर्ड को, जो एंट्री है उसको रिकॉर्ड करना होता है। क्लियर है? ताकि जब हम रिकॉर्ड करेंगे तभी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस। तो अकाउंटिंग का जो पहला ऑब्जेक्ट होता है, जो पहली विशेषता होती है, वो रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड ईमेल। अकाउंटिंग में जब तक आप रिकॉर्ड को ऐड नहीं करोगे आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पता नहीं कर सकते। दूसरा होता है डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, और अकाउंटिंग का जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो है डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड ऑप्शन जो है वो है डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजिशन। आप अकाउंटिंग के जरिए प्रॉफिट भी पता कर सकते हैं, अकाउंटिंग के जरिए आप फाइनेंशियल पोजिशन भी पता कर सकते हैं, ठीक है, और सर्टेनिंग द मैनेजमेंट, आप सर्टेन भी कर सकते हैं, ठीक है, असिस्टिंग द मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट की प्लानिंग भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट को सेट भी कर सकते हैं। किसके जरिए? ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग के जरिए, ठीक है, सॉरी अकाउंटिंग के जरिए। कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, अब आप कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजर्स को जो के लिए रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद जो सिक्स होता है वो होता है प्रोटेक्टिव बिजनेस एसेट्स। प्रोटेक्टिव बिजनेस एसेट्स का मीनिंग यहाँ पर ये कि आपने अकाउंटिंग नहीं करी तो हो सकता है अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट पे बेचते जाओ और कंपनी के अंदर लॉस आता रहे, और एक टाइम ऐसा आएगा कंपनी के लॉस चुकाने के लिए आपको अपनी एसेट्स भी बेचनी पड़ेगी, तो कहलाती है प्रोटेक्टिव बिजनेस एसेट्स। क्लियर है? ये चीजों को हमें ध्यान रखना था। इसके बाद अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आती है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। चलो अकाउंटिंग हमने एडवांटेज पढ़ ली, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट पढ़ ली, अकाउंटिंग एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली, तो अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या है? कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत तो कमी होगी ना, ये नहीं कि अकाउंटिंग पूरी एक्यूरेट हो। तो अकाउंटिंग के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशंस आती है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग पूरी तरीके से सही नहीं होती, इट्स इंफॉर्मेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अगर आप अकाउंटिंग को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो आपको रिजल्ट नहीं दे सकते। सपोज करो मैं 10 बिल खरीद के लाए, 2 बिल मुझसे मिसप्लेस हो जाए तो मैं अकाउंटिंग कर ही नहीं सकता, मेरी अकाउंटिंग प्रॉपर ही नहीं आएगी। तो अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, कभी कभी अकाउंटिंग पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं होती, बेस्ड होती है आपके रिकॉर्ड के ऊपर। क्लियर है? तो पहली लिमिटेशन तो ये, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। क्लियर? इट्स इंफॉर्मेशन इज नॉट एग्जैक्ट। क्लियर? सेकेंड होता है अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रिलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, रिलाइजेबल वैल्यू क्या होती है अकाउंटिंग ना? रिलाइजेबल वैल्यू का मीनिंग ये कि मेरे पास वो, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रिलाइजेबल वैल्यू, वो किस चीज को ना कन्वर्ट नहीं कर सकती। जैसे मेरे पास ये एक लैपी है, जब तक मैं, सॉरी, इसका मीनिंग ये था कि मेरे पास एक प्रोडक्ट पड़ा है, ठीक है, अकाउंटिंग नहीं बता सकता उसकी कॉस्ट क्या है, क्या है उसकी कॉस्ट क्या है, मैं उसे कितने में बेच सकता हूँ। अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू, अकाउंटिंग हमें ये नहीं बता सकता कि उसकी कॉस्ट क्या है, मैं उसे कितने पर बेच सकता हूँ। क्लियर है? ये सेकेंड है डिसएडवांटेज ऑफ या लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, थर्ड आता है
अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, अकाउंटिंग क्वालिटी को इग्नोर करता है। एक कंपनी का मैनेजर उसकी बहुत अच्छी कमांड है, प्लानिंग बहुत अच्छी करता है। दूसरा वही एक सेल्स मैनेजर है जिसकी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, डीलिंग अच्छी नहीं कर पा सकता, तो अकाउंटिंग मेजर नहीं करती क्वालिटी को, क्लियर? क्योंकि वो उसको मनी में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते उसकी क्वालिटी को, इसलिए वो अकाउंटिंग के अंदर कवर नहीं आती। अकाउंटिंग इग्नोर द प्राइस लेवल चेंजेस, क्लियर? अकाउंटिंग क्या करता है, इग्नोर करता है प्राइस लेवल चेंजेस को, क्लियर? लास्ट होता है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग ना जैसा था एक विंडो ड्रेसिंग है, जैसे आप अच्छे कपड़े पहन लेते हो तो अच्छे दिखते हो, वैसे अकाउंटिंग क्या करती कि आप अकाउंटिंग करते हो तो वो एक विंडो ड्रेसिंग होती है, आप किसी को दिखा सकते हैं, हाँ सर मैं अकाउंटिंग करता हूँ, क्लियर है? ये अकाउंटिंग की लिमिटेशन थी। एक बार फुल रिकैप करते हैं, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एक्जैक्ट, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू, अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, अकाउंटिंग इग्नोर द प्राइस लेवल चेंज, एंड अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, क्लियर? ये अकाउंटिंग की लिमिटेशन थी। आज हमारा अकाउंटिंग का पहला चैप्टर फिनिश हो गया, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग सीखी, एट्रीब्यूट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग सीखी, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट सीखे, अकाउंटिंग की लिमिटेशन सीखी, अकाउंटिंग की यूजेस, ठीक है? ये हमारे आज अकाउंटिंग के पहला सेशन था।